हेलो जी, सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू फाधान एक्शो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम रिएक्शन देने वाले बांग्लादेश के ढाका सिटी के साथ कंपेयर करने वाले पाकिस्तान की सिटी कराची, जिसमें मैं रहता हूँ, कराची सिटी। हम कंपैरिजन करने वाले, कंपैरिजन के ऊपर रिएक्शन देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो चेक इट आउट जरूर करेगा। कराची सिटी पाकिस्तान कंट्री में है। कराची सिटी पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में है। कराची का सिटी एरिया 900 स्क्वायर किलोमीटर है। कराची की पॉपुलेशन 20 मिलियन पीपल्स है। 2020 के मुताबिक कराची की नॉमिनल जीडीपी 70 बिलियन यूएस डॉलर है और कराची का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 3400 यूएस डॉलर है। कराची का लिटरेसी रेट 76% है। कराची की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है और कराची का क्राइम रेट 67% है। ढाका सिटी बांग्लादेश कंट्री में है। ढाका सिटी लोकेटेड है बांग्लादेश के ढाका डिवीजन में। ढाका का सिटी एरिया 306 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 21 मिलियन पीपल्स है। ढाका की नॉमिनल जीडीपी 170 बिलियन यूएस डॉलर है। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 7400 यूएस डॉलर है। ढाका का लिटरेसी रेट 75% है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है और ढाका का क्राइम रेट 72% है। सेम है यार, पर थोड़ा हाई है ढाका में। लैंग्वेजेस एंड रिलीजियंस। कराची में जो मेजॉरिटी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनमें उर्दू, सिंधी, बलोची, पंजाबी और पश्तो लैंग्वेज है। और जो कराची में रिलीजियंस हैं, उनमें इस्लाम 93%, क्रिश्चियनिटी 3%, हिंदू भी है, और हिंदुइज्म 4% है। ढाका में जो मेजॉरिटी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनमें बंगाली, चिटगोनियन, सिलेटी, हिंदी और रंगपुरी लैंग्वेज है। और ढाका में जो रिलीजियंस हैं, उनमें इस्लाम 90% है, हिंदुइज्म 7% और 3% अदर रिलीजियंस हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग्स। कराची में रहने वाले एक आम इंसान का एक दिन का एक्सपेंस 400 पाकिस्तानी रुपीस है। एक आम रेस्टोरेंट में एक वक्त के खाने की प्राइस 320 पाकिस्तानी रुपीस है। एक किलोमीटर टैक्सी फेयर 30 पाकिस्तानी रुपीस है। एक बेडरूम अपार्टमेंट का एक मंथ का रेंट 12,000 पाकिस्तानी रुपीस है। और कराची में काम करने वाले एक आम इंसान की एवरेज सैलरी 35,500 पाकिस्तानी रुपीस है। सैलरी ज्यादा है। ढाका में रहने वाले एक आम इंसान का एक दिन का एक्सपेंस 300 बांग्लादेशी टका है। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक वक्त के खाने की प्राइस 150 बांग्लादेशी टका है। ढाका में एक किलोमीटर टैक्सी फेयर 30 बांग्लादेशी टका है। और ढाका में एक बेडरूम अपार्टमेंट का एक मंथ का रेंट 7,000 बांग्लादेशी टका है। ढाका में काम करने वाले एक वर्कर की एवरेज सैलरी 29,000 बांग्लादेशी टका है। फेमस फूड्स एंड डिशेस। कराची के फेमस फूड्स में निहारी, सिंधी बिरयानी, चिकन कढ़ाही, चिकन टिक्का, चिकन मलाई बोटी और सी फूड्स शामिल हैं। ढाका के फेमस फूड्स में सूती कबाब, ब्रेन फ्राई, भेलपूरी, चिकन बिरयानी, दाल पूरी और ग्रीन स्वीट्स है। कराची की बिरयानी भूल गया भाई। फेमस प्लेसेस एंड विजिटिंग पॉइंट्स। कराची की फेमस प्लेसेस में मज़ारे कायद, क्लिफ्टन सी व्यू, मोहाटा पैलेस, पोर्ट ग्रैंड, पीएएफ म्यूजियम और फेरर हॉल है। ढाका की फेमस प्लेसेस में लाल बाग फोर्ट, बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम, द पिंक पैलेस ऑफ एहसान मंजिल, नेशनल पार्लियामेंट हाउस, सदर घाट बोट राइड और शानखरी बाजार है। तो यही था आज का कंपैरिजन। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने इन दोनों सिटीज के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। मुझे कंपैरिजन में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जिसमें से कराची की बिरयानी मिसिंग थी, कराची की घूमने फिरने की जगहें मिसिंग थी,
कराची में सबसे घूमने फिरने की जगह बहुत ज़्यादा है। मैं आपको नाम बताने लगाऊँ तो पूरी एक लिस्ट आ जाएगी जो बहुत ज़्यादा है, जैसे कैप्टन सी वी वगैरह, ये मेन मेन जगह है। बाकी भी मेन जगह है बट उनको मिस किया, इसी तरह बांग्लादेश को भी मिस किया होगा। बट मेन जगहों की आपकी खाने पीने की चीज़ों की मैं बता दूँ कि बिरयानी मिस नहीं होनी चाहिए कराची की। बिरयानी इज़ अमेजिंग फूड बट मुझे नहीं पसंद सीरियसली। इसके अलावा अगर पाकिस्तान कराची की बात करें तो कराची में भी क्राइम रेट सबसे हाई है, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में क्राइम रेट ज़्यादा होता है। इसी तरह बांग्लादेश की जो सिटी थी ढाका, उसमें भी क्राइम रेट काफ़ी हाई था। अब ये एक नॉर्मल बात है यार, बड़ी सिटी में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट होता है और क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको नॉर्मल एक बात बता दूँ, अभी पिछले दिनों की बात है, कराची में एक जगह पे भाई वो बंदे को लूट रहे और पुलिस की मोबाइल, पुलिस की गाड़ी जो है उनके पास से होके गुजरी, और क्रिमिनल को पता चला, क्रिमिनल ने मोबाइल छीन और चले गए, पुलिस वाले को पता ही नहीं चला। ये चीज़ें होती है बड़े शहरों में, और मेरे घर के पास तो सारे रात पेट्रोलिंग होती है पुलिस की, यार अलग अलग मोबाइल आके पेट्रोलिंग करती है। तो कंपैरिजन आपको कैसा लगा? ये तो ढाका बांग्लादेश और कराची पाकिस्तान का कंपैरिजन रिएक्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।